नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम धामी ने विभिन्न कार्यक्रमों में की शिरकत। रुड़की में किसानों को किया संबोधित, साधु संतों का लिया आशीर्वाद। हरिद्वार में चार धाम यात्रा को लेकर की बैठक। देहरादून में राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर मंत्री मीडिया से हुए रूबरू, कहा 11 से 13 अप्रैल को होगा कार्यक्रम। राज्य द्वारा मिलेट्स पर आधारित है सम्मेलन। कोटद्वार में रोजगार मेले का आयोजन, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने किया शुभारंभ। 7,000 से ज्यादा युवाओं को देंगी रोजगार। ऋषिकेश में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। सीएम धामी, अध्यक्ष और मोर्चे के पदाधिकारियों ने की शिरकत। लोकसभा और निकाय चुनाव पर हुई चर्चा। और देहरादून में संजीवनी रिसोर्ट पर एंटी ह्यूमन और नारकोटिक्स टीम का छापा। 3 आरोपियों से चरस की जब्त, 15 युवतियों को किया रेस्क्यू। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून एसपी सिटी, एसपी देहात और सीओ डोईवाला के नेतृत्व में थाना सहसपुर पुलिस एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए संजीवनी रिसोर्ट में छापा मारा और मौके से देह व्यापार संचालित कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ 15 युवतियों को भी रेस्क्यू किया गया है। इतना ही नहीं, मौके से पुलिस को 573 ग्राम अवैध चरस भी बरामद हुई है, जो कि रेप पार्टी के लिए लाई गई थी। एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी युवतियां चंडीगढ़ से बुलाई गई थी। एसएसपी ने यह भी बताया कि मौके से होटल के रिसेप्शनिस्ट दीपक, लड़कियों को चंडीगढ़ से यहां लाने वाला ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ अंधेरा का फायदा उठाकर होटल संचालक समेत 2 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। पंद्रह युवतियाँ ये आपके चंडीगढ़ और जीरकपुर ये वहीं के रहने वाले हैं। वो उनसे पूछताछ की जा रही है। वो इसमें जो है पीड़िता हैं और इसमें 2910 रुपया नकद बरामद हुआ है। जो रिजॉर्ट का जो विजिटर रजिस्टर है उसमें 7 तारीख के बाद कोई एंट्री नहीं है और इसमें फर्दर जाँच कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर जो है इस रिजॉर्ट को हम लोग इसको सील भी कर सकते हैं। डोईवाला के भनियावाला ऋषिकेश के बीच बनने जा रहे एलिवेटेड रोड के कारण सड़क चौड़ीकरण की जद में आए भनियावाला की कार्डरवाला बाजार में दुकानदारों को उचित मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी से मुलाकात की और व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि NHAI द्वारा जो मुआवजा देने की बात कही जा रही है वो सर्किल रेट से बहुत कम है। परवादून कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में बाजार के तमाम व्यापारी और मकान मालिकों ने SDM के सामने अपनी समस्या रखकर उनके निदान की मांग की। अवार्ड हो गया है, SLO से हुआ है। आपको मैं बताऊं नाराजगी का कारण क्या है कि जो भानियाला मेन बाजार है इसमें कम से कम 150 दुकानदारों को अपनी जगह छोड़नी पड़ रही है सरकार के लिए, NH के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए। लेकिन सब तैयार हैं, कोई मना नहीं कर रहा, पर हमारी एक मांग है कि हमें उचित मुआवजा तो दिया जाए कम से कम। हमारा हम सड़क का विरोध करने के लिए नहीं आए थे SDM साहब के पास। हमारा तो कहना सड़क बने, पर जो लोग प्रभावित हो रहे उस चीज़ से, जिन लोगों का व्यापार प्रभावित हो रहा है, तो उन्हें कम से कम मुआवजा राशि जो है वो ठीक मिले। नियम तो यह है कि भाई सर्किल रेट का 2 प्लस 10% इंटरेस्ट, पर फिलहाल जो सुनने में आ रहा है तो जो 6500-6600 का रेट, मतलब 12-13 हज़ार रुपये का पर मीटर का रेट वो देने जा रहे हैं, वो कम है। मैं व्यापारियों के साथ, हम व्यापारियों के साथ हैं और रहेंगे। सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो दुकान 1 से 1.5 करोड़ की थी वहाँ 5-5 लाख रुपए का मुआवजा मिल रहा है। कितना नाइंसाफी हो रही है व्यापारियों के साथ। सरकार को कम से कम सोचना चाहिए कि इनके बच्चे हैं, बीवी सब है, पूरा परिवार है, ये कहाँ जाएंगे 5 लाख में, कितनी क्या करेंगे 5 लाख में। आज के दौर में 5 लाख की कोई कीमत नहीं है। और दूसरा ये कहना चाहूँगा कि इसका जो भविष्य में जो आगे चुनाव आ रहे हैं इसमें भुगतना पड़ेगा पार्टी को। पहले का बसा हुआ बाजार है, बहुत पुराने समय से यहाँ व्यापार होता आया है
और आने वाले समय में जनसंख्या भी काफ़ी बड़ी है। अभी राष्ट्रीय राजमार्ग ने कुछ साल पहले सबको नोटिस दिया था और यहाँ क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ा होना है तो उसके लिए सबके पास नोटिस आए हैं और सबको बोला गया है कि अभी 2 महीने के अंदर इसको अपनी जो जितनी ज़मीन है जितनी रोड पे आ रही है उसको तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया है। तो परवादून ज़िला कांग्रेस की तरफ से आज हम लोग सब यहाँ पहुँचे हैं, माननीय SDM साहब से हम लोग मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। हमारी मांग ये है कि ठीक है आप विकास कर रहे हैं, विकास के विरोध में हम लोग नहीं हैं, मगर किसी को उससे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए आज उपजिला चिकित्सालय मसूरी में सभी तैयारियों का जायजा लिया गया और मॉक ड्रिल की व्यवस्था की गई। मॉक ड्रिल की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त की गई। जिस प्रकार से देश में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं उनको लेकर प्रशासन ने सभी चिकित्सालय में व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के आदेश दिए हैं। इसी को लेकर आज उपजिला चिकित्सालय में मॉक ड्रिल किया गया और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर भाजपा मसूरी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने भी कहा कि आज पूरे देश में कोरोना वायरस फिर से पैर पसार रहा है और आज उपजिला चिकित्सालय में व्यवस्थाओं की जांच की गई, जिसमें कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आने वाले मरीज दवाएं और ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके बारे में अस्पताल के उच्च अधिकारियों से बात की गई। कोविड की आशंका को देखते हुए यहाँ पर जो CMS डॉक्टर जितेंद्र जी हैं उनको यहाँ पर जो है उन्होंने आज जो तैयारियाँ हैं हॉस्पिटल की उस बारे में जो है उन्होंने बताया है कि जो चाहे ऑक्सीजन की बात हो चाहे CT स्कैन की बात हो चाहे एक्सरेज की बात हो सभी तरह से जो है हॉस्पिटल तैयार है और जो मिनिमम लेवल है ऑक्सीजन का उससे ऊपर उनके पास जो है ऑक्सीजन अवेलेबल है और यही नहीं उनके पास जो यहाँ पर सिलेंडर्स हैं वो भी पूरी तरह से तैयार हैं और बाकी खालियाँ उनको भी तैयार कर दिया जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि जो तैयारियाँ हैं इस हॉस्पिटल की हो सकता है कि कैसी कोई जरूरत ना पड़े लेकिन यदि कहीं जरूरत पड़ी तो मसूरी का हॉस्पिटल पूर्व की तरह जो है कोरोना के लिए तैयार है। आज सुबह 10 बजे हम लोगों ने मॉक ड्रिल शुरू कर दी थी और पेटवाल जी खंडूरी जी और आप लोग सब पत्रकार आप सब लोग आए और हम लोगों ने राउंड किया है और राउंड में सब चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त करके हम लोगों ने कार्य शुरू कर दिया है और ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पास पूरी है। 500 LPM का हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट है, बिल्कुल फंक्शनिंग है और हमारे पास 51 बेड हैं ऑक्सीजन के, जिसमें सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन है और वो बिल्कुल चालू है, उस बिल्कुल दुरुस्त व्यवस्था में कार्य कर रही है। कॉर्बेट नगरी रामनगर के मोहल्ला भरतपुरी निवासी परवीन मेवाड़ी का पुत्र मयंक, जो कि कक्षा 9 का छात्र है, बताया जाता है कि 8 अप्रैल की शाम को वह घर से बिना बताए अचानक से रहस्यमय परिस्थितियों से लापता हो गया। पुलिस द्वारा लापता छात्र की गुमशुदगी भी दर्ज की गई। 2 दिन तक लापता छात्र की बरामदगी न होने पर पूर्व सैनिकों और कई अन्य लोगों के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत की भी कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने कोतवाली में पहुंचकर लापता छात्र को सकुशल बरामद करने की मांग की। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि रामनगर में लगे सभी CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद लापता छात्र की कोई भी लोकेशन नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस की टीमों को बढ़ाने के साथ ही एक्सपर्ट्स को भी बुला लिया गया है। परिजनों का परेशान होना स्वाभाविक है, किसी के भी जिगर का टुकड़ा इस तरह अचानक खो जाएगा तो उनकी परेशानी निश्चित रूप से स्वाभाविक है और जो लोग आए हैं उनकी भी चिंता स्वाभाविक है। सब लोग चिंतित थे उस बच्चे के लिए। कल शाम मुझे भी पता चला था, हमारी एक बहन है वहाँ श्री रावत जोशी के घर के पास सामने रहती हैं, उन्होंने बताया था, तो मैंने पुलिस से कल शाम भी बात की थी, सुबह भी यहाँ इंस्पेक्टर रामनगर पुलिस से बात की। थोड़ी 8 तारीख शाम को 5 बजे गायब हुआ है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से काफ़ी सहयोग मिला हुआ है। मेरे पुराने एक्समैन साथियों का भी सारा सहयोग मुझे मिला हुआ है और भविष्य में उम्मीद करता हूँ कि अपनों से और प्रशासन से इसी प्रकार मुझे सहयोग की उम्मीद है और आप लोग भी इस बात को काफ़ी शेयर करिए, जिससे कि मेरा बेटा एक परिवार की उम्मीद वापस लौट पाए। कोटद्वार के श्री गुरु राम राय स्कूल में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कई प्रयासों से रोजगार मेले का शुभारंभ किया और जिसमें हजारों की संख्या में युवा प्रतिभाग करने पहुंचे। बता दें कि इस रोजगार मेले में 70 से ज्यादा कंपनियां आई, जो 7,000 से ज्यादा रोजगार युवाओं को देगी।
जी आज कोटद्वार में एक बड़ा रोजगार मेला हमने ऑर्गेनाइज किया है और यूनियन मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं भूपेंद्र यादव जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, लता गौतम जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि कोटद्वार में एक बड़ा भव्य रोजगार मेला लिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ के जब हम डिपार्टमेंट से मिले, स्किल डिपार्टमेंट से मिले, तो चीफ मिनिस्टर हों, चाहे सौरभ भगुणा जी हों, चाहे उनके डायरेक्टर हरबीर सिंह हों, इन्होंने बहुत मेहनत की उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और आज आप देख रहे हैं बहुत सुयोजित तरीके से, अच्छी तरीके से यहाँ पर ये मेला हो रहा है। अभी तक शायद 1000 से ऊपर बच्चे पहुँच चुके हैं, 2500 के करीबन नौकरियाँ यहाँ पर हैं। तो मैं आशा कर रही हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नौकरी मिलेगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय की बैठक ऋषिकेश के पास परमार्थ निकेतन में हुई, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश भर के तमाम पदाधिकारियों ने शिरकत की। दरअसल आगामी लोकसभा और नगर निकाय चुनाव को देखते हुए इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में आने वाले लोकसभा और निकाय चुनाव के लिए सभी मोर्चों को अहम जिम्मेदारी के साथ ही जनता तक भाजपा की नीतियों को पहुंचाने के लिए अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकारिणी है, सब पहले बार नया टीम का कार्यकारिणी है। इस पार्लियामेंट इलेक्शन का राष्ट्रीय महिला मोर्चा 1 साल का रोड मैप किया, सो रोड मैप दिया एंड ऑन द ओकेशन एवरी मंथ वी आर हैविंग अ प्रोग्राम। इन जनवरी वी हैव स्टार्टेड दिस 1 करोर सेल्फी विद महिला लाभार्थी। In Uttarakhand also, all our Mahila Morcha Karyakartas are doing that. And in the month of March, they have conducted a Sushma Swaraj Award. In each jilla mein, 10 Mahila, distinguished Mahila ke award diya. So in the month of April, we are doing this Samajik Samarasta Saptaha, in which Mahila Morcha Karyakartas are going to invite scheduled community women. Then while having the meal with them, we are going to interact with them about the good work of our honorable prime minister, and we are preparing ourselves for the parliament election. So we are hopeful that all the 5 seats in Uttarakhand that BJP is going to win. देखिए भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों की प्रदेश की कार्य समिति आजकल चल रही है, कुछ मोर्चों की बैठक हमारी हो चुकी थी, कल किसान मोर्चा महिला मोर्चे की बैठक यहाँ पर है। उद्देश्य कार्यकर्ताओं के संगठन के निर्माण के बाद वैचारिक पक्ष होता है, आगामी कार्यक्रम होते हैं और भविष्य के अंदर लोकसभा का जो चुनाव आने वाला नगर निगम का नगर पालिका चुनाव है उसमें हमारे मोर्चों के प्रत्येक कार्यकर्ता की सहभागिता बने, उस उद्देश्य कार्यक्रम में ध्यान होता है। यही बैठक में हमारे कार्यक्रम उत्तराखंड के डोईवाला में लच्छीवाला टोल प्लाजा पर हाथी आधमका, जिससे हलचल मच गई। जहां पर बता दें कि लच्छीवाला वन रेंज के एलिफेंट कॉरिडोर वाले स्थान पर टोल प्लाजा बना हुआ है। अक्सर इसी रास्ते से जंगल के हाथी एक जंगल से दूसरे जंगल की जगह आवाजाही करते हैं। पूर्व में भी कई बार टोल प्लाजा के आसपास हाथी गुजरे हैं। भविष्य में यदि हाथियों को रोकथाम नहीं हुई तो बड़ी घटना हो सकती है। हाईवे पर होने वाले कारण देहरादून लच्छीवाला डोईवाला के बीच में बहुत बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है, ऐसे में हाथियों का यहाँ से गुजरना एक बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है।
कोरोना की आहट से फिर एक बार सरकार को सचेत कर दिया है। इसके चलते उत्तराखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालकुआ में आज प्रतीकात्मक रूप से कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति को अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल विभाग की टीमों ने तुरंत मरीज को इमरजेंसी में भर्ती कर चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवाई। मॉकड्रिल के इस अवसर पर पहुंचे उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि किसी भी प्रकार की स्थिति बिगड़ने से पहले ही सारी तैयारियां कर ली गई है, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित को तुरंत चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। वहीं इस अवसर पर पहुंचे ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी हरीश चंद्र पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी हो चुकी है और हमारा विभाग किसी भी आपदा के लिए निपटने को तैयार है। की संभावित एक लहर बताई जा रही है और कुछ केसेस भी कोविड के बड़े हैं, उसको देखते हुए सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी अस्पतालों में व्यवस्थाएं चाक चौबंद और दुरुस्त रखी जाएं। उसी के क्रम में आज ये मॉकड्रिल का आयोजन किया गया था और इसमें बेसिकली ये देखा जाना था कि जो हमारे कंसंट्रेटर्स हैं, जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, बेड्स हैं या और भी ज़रूरी जो भी उपकरण हैं, वो सब सही स्थिति में हैं या नहीं, उसी के लिए एक मॉकड्रिल का आयोजन किया गया था और हमारी पूरी व्यवस्थाएँ जो है दुरुस्त हैं। जैसे स्टेट से हमारे पास गाइडलाइन है, उसके हिसाब से आज और कल ये दो दिन मॉकड्रिल का प्रोग्राम है। इसमें हमें ये देखना है कि हमारे जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, हमारी दवाइयां हैं, हमारे बेड हैं, अवेलेबिलिटी क्रियाशील स्थिति में हैं या नहीं है। लेकिन जो हमारे सभी अस्पतालों में आज मॉकड्रिल की जा रही है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हमारे सब व्यवस्थाएँ चाक चौबंद हैं और हम बिल्कुल तैयार हैं यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो उस चीज़ के लिए निपटने के लिए। लगातार सारे चिकित्सालयों में की जा रही है, रैपिड और आरटीपीसीआर भी की जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन का जैसे ही कुछ ऊपर से गाइडलाइन आएंगी उस हिसाब से। देश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से चिंताएं बढ़ गई है, इसलिए 24 घंटे में देश में 5,880 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसको देखते हुए केंद्र ने सभी राज्यों को टेस्टिंग और टीकाकरण को बढ़ाने के लिए सतर्क रहने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड में भी कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सरकार की चिंताएं बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में 30 नए मरीजों के कोविड की पुष्टि हुई है। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कोविड से निपटने के लिए अस्पतालों में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इस समय प्रदेश में कोविड की स्थिति सामान्य है, फिर भी राज्य सरकार कोविड को लेकर सतर्क है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण और टेस्टिंग को बढ़ा रही है। जहां एक ओर उत्तराखंड में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के सभी अस्पतालों में कोरोना की तैयारियों की मॉकड्रिल करवा रहा है। वहीं लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय में लोगों को लाखों रुपए की लागत से लगवाया गया ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पिछले 6 महीने से खराब पड़ा हुआ है, जिसका लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा अस्पताल में बने आईसीयू में उद्घाटन के बाद से ही ताले लगे हुए हैं और ऑक्सीजन के 115 सिलेंडर खाली पड़े हुए हैं। सिर्फ ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर को भी भरोसे कोरोना के लड़ने की तैयारी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। जबकि चंपावत जिले में एक संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव छात्र की मौत हो चुकी है और टकनपुर में भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बावजूद भी कोरोना से लड़ने को स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं लचर नजर आ रही है। हॉस्पिटल में जो भी मरीज आ रहे हैं, यहाँ पर मास्क लगा के आए और डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अस्पताल की जो कोविड को लेकर तैयारी है वो ऑलरेडी पहले से ही है, सब पहले से ही सब तैयारियां हैं, बाकी अभी एक्स्ट्रा तो कुछ सर इसके फिल्टर खराब है, डीजी मैम को भेज रखा है सीएम सर द्वारा और ये सीएमओ द्वारा, इसमें खर्चा आना है कुछ और सीएमसी भी होना है, तो ये डीजी स्तर से और सिलेंडर के लिए भी अभी सारे सिलेंडर नहीं है हमारे पास, घर में 2-4 ही सिलेंडर भरे हुए हैं, बाकी हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से बल्क कर रहे हैं। ये लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में जो ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, वास्तव में यह दुर्भाग्यपूर्ण विषय हमारे लोहाघाट जनपद चंपावत के लिए है। आज जो है यहाँ बहुत समय से इसमें जो जिसकी अभी पता किया गया, इसकी सर्विस हर 2 महीने बाद की जाती है, जो सर्विस नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से यह प्लांट सफ़ेद हाथी साबित हुआ है अभी, और जल्द से जल्द इसमें सीएमओ से बात कर इसकी सर्विस करवाने की बात की जाएगी, जिससे
हेमकुंड साहिब में इस समय करीब 12 फीट बर्फ है। हेमकुंड सरोवर भी पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। सेना के जवानों ने हेमकुंड साहिब पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलेंगे। इससे पहले 20 अप्रैल के आस्था पथ से बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाएगा। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि शनिवार को 418 इंडिपेंडेंट कोर के ब्रिगेडियर अमन आनंद, ऑफिसर कमांडर सुनील यादव की देखरेख में कैप्टन मानिक शर्मा, सूबेदार मजेंद नेकचंद और हवलदार हरसेवक सिंह ने हेमकुंड यात्रा मार्ग का जायजा लिया। यात्रा पर अटकले और अटलाकोटी ग्लेशियर में करीब 10 फीट की बर्फ जमी हुई है। हेमकुंड साहिब में भी करीब 12 फीट तक बर्फ है। गुरुद्वारे का प्रवेश द्वार और सरोवर भी बर्फ से ढका हुआ है। उत्तराखंड में धर्मांतरण और लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर कड़ी कार्रवाई के लिए बने कानून के तहत उधम सिंह नगर के बाजपुर में पहला मामला दर्ज हुआ है, जिसमें एक युवक पर हमला दर्ज हुआ है। मामला दर्ज हुआ है उस पर युवती के साथ धर्म छिपाकर शादी और युवती को जबरन धर्मांतरण के लिए आरोप लगे हैं। SSP मंजूनाथ TC ने मामले में पुलिस को गहनता से जांच करने के आदेश दिए हैं। CO भूपेंद्र भंडारी ने बताया है कि महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है। जी, बाजपुर में एक बहुत ही सीरियस मामला सामने आया है। एक लड़की को एक लड़का, लड़का लड़की का प्रेम प्रसंग चलता है। शादी से जस्ट पहले पता चलता है कि लड़का कोई और समुदाय का है, तो फिर भी ये दोनों शादी करते हैं, क्योंकि लड़का और लड़के के परिवार वाले ने बोले थे कि लड़की जो है अपने धर्म के साथ रहे और वो लड़का भी, दोनों अपने अपने धर्म के अनुसार रहेंगे और शादी अच्छे से रहेगा। लेकिन अभी जो है, हाल ही में रमजान जब शुरू हुआ, तब से लड़का और लड़के के परिवार वाले लड़की को बहुत परेशान करते हैं कि रोजा रखने के लिए, गोमांस खाने के लिए, विभिन्न प्रकार की रीति रिवाज फॉलो करने के लिए, जो लड़की पसंद नहीं था, और धर्मांतरण करने के लिए भी बहुत ज्यादा दबाव देते हैं। तो लड़की परेशान होकर पुलिस के पास आई। तत्काल मैंने मामला को संज्ञान में लिया और जो धर्मांतरण एक्ट के तहत जो है, जो सुसंगत धाराओं में हमने मुकदमा दर्ज किया, CO बाजपुर के नेतृत्व में यह विवेचना चलेगा और सख्त रूप से इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई करने का निर्णय। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लैंड जिहाद को लेकर सख्त कार्रवाई किए जाने के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य में किसी भी धर्म, महजब, वर्ग का व्यक्ति अगर सरकारी भूमि पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अजय भट्ट ने कहा कि धर्म की आड़ को लेकर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सख्त एक्शन किया है। उन्होंने उम्मीद है कि जल्द ही सरकारी भूमि में किए गए ऐसे चिन्हित अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही है कि किसी का हो, कोई भी जाति, धर्म, वर्ग का कोई व्यक्ति सरकारी जमीन को इंक्रोच करता है तो वो अच्छी बात नहीं है। देखिए, हमारे माननीय विधायक अभी इन्होंने शिवजी ने ये मामला उठाया था जबरदस्त तरीके से, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है जबरदस्त तरीके से। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर धार्मिक भावनाओं के अनुरूप को, धार्मिक भावनाओं को अपनी ढाल बनाकर जमीनों को घेरता है, सरकारी जमीन को, और पैनिकी फैलाने की कोशिश करता है, तो सख्त से सख्त कदम उठाया जाना चाहिए, चाहे वो कोई। जोशीमठ में हो रहे भूदसाव के मामले के बाद जिला प्रशासन के द्वारा राहत शिविरों में सभी पीड़ित परिवारों के लिए स्वादिष्ट भोजन जैसी व्यवस्था की गई है। स्वादिष्ट भोजन जैसी व्यवस्था के चलते इन राहत शिविरों में पीड़ित परिवारों के साथ साथ अन्य गरीब वर्ग के लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं। बता दें कि राहत शिविरों में जिला प्रशासन के द्वारा हर दिन तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान और तरोताजा भोजन जैसी सुविधा पीड़ित परिवारों के लिए करवा दी गई है। बता दें कि इस वक्त जोशीमठ के नगर पालिका भवन में कई पीड़ित परिवार अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, जिसके चलते उन पीड़ित परिवारों के लिए जिला प्रशासन के द्वारा सभी पीड़ित परिवारों के लिए भोजन जैसी सुविधाएं भी यहाँ पर पालिका के हॉल में करवाई जा रही है। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।